24/7 लाइव टीवी से मैं हूं प्रतीक्षा और मातु, आइए नजर डालते हैं जिले से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। राजस्थान जीप कार टैक्सी एकता यूनियन के सानिध्य में राजस्थान ड्राइवर हेल्पलाइन प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया गया। बीकानेर के बिश्रोई धर्मशाला में राजस्थान ड्राइवर हेल्पलाइन परिवार होली मिलन समारोह का आयोजन तथा बीकानेर जिला कमेटी का गठन किया गया। बीकानेर एक पर्यटक स्थल होने के बावजूद एक भी स्थायी टैक्सी स्टैंड नहीं है, जो कि मुख्य रूप से मांग की जा रही है। टैक्सी गाड़ियों की फिटनेस की समस्या, रात में चलने वाले बड़े वाहन 8-10 लाइट लगाकर चलते हैं, जिससे छोटे वाहनों को चलने में असुविधाएं होती हैं। इंश्योरेंस कंपनियों की तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए सुरेश राज पुरोहित की रिपोर्ट। राजस्थान जीप कार टैक्सी एकता यूनियन की तरफ से बीकानेर में आज राजस्थान ड्राइवर हेल्पलाइन परिवार के साथ होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें बीकानेर की मुख्य मांगों को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भी देने का प्रोग्राम है, जिसमें बीकानेर की मुख्य मांग टूरिस्ट का स्थान होने के साथ बीकानेर में एक भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। रात को बड़े व्हीकल जितने भी चलते हैं, जिनमें 10-10 लाइटें लगी हुई होती है, एक हमारा मुख्य मुद्दा वो है। उसके अलावा बीकानेर की और भी काफ़ी समस्याएं हैं, जैसे एक फिटनेस का मुख्य अहम मुद्दा है। इसके साथ में हमारे बीकानेर टीम ने आज होली मिलन समारोह का आयोजन भी रखा है, और सारा जो प्रोग्राम है राजस्थान प्रदेश जीप कार टैक्सी यूनियन के प्रदेश महामंत्री श्री नाथ जी पाठक के सानिध्य में किया जा रहा है, और आज इन्हीं के आशीर्वाद से सारा प्रोग्राम हमने बीकानेर में बिश्रोई धर्मशाला के अंदर करके मेहता की टीम, लुधियाना की टीम, दिल्ली की टीम, जैसलमेर से, किशनगढ़ से, राजस्थान के सभी जगहों से हमारी टीम मौके पर पहुंच हुई है और कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी ने सहयोग किया है। मैं धन्यवाद करूंगा सभी मित्रों का, इसी तरह संगठन को मजबूत करते रहें और कार्यक्रम को गति प्रदान करें। धन्यवाद। कैमरामैन सुरेश जी पुरोहित बारवा से। आपकी क्या मांगे हैं सर? आपकी हमारी मुख्य मांगे हैं ड्राइवरों के लिए सुरक्षा हो। सबसे मुख्य मांगे ड्राइवरों की सुरक्षा हो। ड्राइवरों के लिए एक दिवस घोषित किया जाए। हाँ जी। और ड्राइवर को रास्ते चलते जो परेशानी आती है, जिसकी जिम्मेदारी एक प्रशासन का व्यक्ति ले, जिससे हमारे ड्राइवर समाज का भला हो सके, इसका उत्थान हो सके। आपका स्थानीय क्या परेशानी है? स्थानीय यहाँ के लोकल परेशानी क्या है? हमारी स्थानीय परेशानी स्थाई टैक्सी स्टैंड। बीकानेर एक टूरिस्ट पॉइंट होने के साथ में यहाँ पर एक भी प्रशासन की तरफ से स्थाई टैक्सी स्टैंड नहीं है, जिसके हम प्रशासन से मांग करते हैं। ये ड्राइवर आयोग क्या है, ये क्या क्यों बनाना चाहते हैं आप? ड्राइवर आयोग, ड्राइवर दिवस क्या है? हिंदुस्तान में जब कई प्रकार के दिवस घोषित किए जा चुके हैं, शौर्य दिवस या कई प्रकार के दिवस है, तो हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए भी एक दिवस होना चाहिए। एक दिन हमें भी हमारे काम से मुक्ति मिलकर हमारा दिवस हमें मनाने की आज़ादी मिलनी चाहिए। तो ये आपने जो आज इतना बड़ा कार्यक्रम रखा हुआ है आपने जी, ये क्या किसको, किसी को, मंत्री को या कोई कलेक्टर साहबा को कोई देने आज के हम हमारे बीकानेर जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन के माध्यम से, हम अभी 3 बजे का हमारे पास में टाइम दिया हुआ है, जिलाधीश महोदय को मिलेंगे और ज्ञापन के द्वारा हम हमारी समस्याओं से अवगत कराएंगे। क्या आगे भी पहले आपने कभी मीटिंग की है, ऐसा आयोजन किया कि फर्स्ट टाइम किया आपने? राजस्थान प्रदेश जीप कार टैक्सी यूनियन 2004 से निरंतर ड्राइवर भाइयों की सेवा के लिए प्रयास रहता है। राजस्थान में सभी जगह प्रयास किए हैं और निरंतर प्रयास करती रहेगी, और राजस्थान जीप कार टैक्सी यूनियन के सानिध्य में हम राजस्थान ड्राइवर हेल्पलाइन परिवार के सभी मेंबर हम साथ में काम कर रहे हैं जी। तो आपके मुख्य मांगे बताया नहीं सर, आपके मुख्य मांगे क्या है? आपके थोड़ा सा इस पर खुलासा कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। देखिए, राजस्थान के हमारे ड्राइवरों की मुख्य मांग तो काफ़ी है, उन पे हम आपको ज़्यादा बता नहीं पाएंगे। दो चार ही बता दीजिए आप। सबसे मुख्य मांग है, आज हमारा ड्राइवर भाई 24 घंटे एक मिलिट्री के बाद में एक ऐसा चालक साथी है जो हिंदुस्तान के रीढ़ की हड्डी है, मगर उसको कहीं पर भी सुरक्षा नहीं दी जाती। तो मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहले हमारे सारथी भाई को हर जगह सुरक्षा मुहैया कराई जाए। आप किससे निवेदन करना चाहते हैं? जिलाधीश महोदय के
आवेदन के साथ में प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी जो मुख्य मांग है उस पर सरकार ध्यान दे और हमारी जो परेशानी है उसका समाधान करने की कोशिश करे। हरदोई के ब्लॉक संडीला ग्राम सुखाऊ खेड़ा थाना अतरौली के अंतर्गत कराई गई भगवान शिव की स्थापना, साथ ही निकाली गई बहुत ही धूमधाम से शंकर जी की बारात। बारात में भांग के नशे में बारातियों ने मिलकर धूम मचाया। शंकर जी की बारात हमारे निवास ग्राम सुखाऊ खेड़ा से चलकर पहुंची जंगल शिव महामंदिर, जहां पर हजारों की तादाद में बारातियों ने मिलकर धूम मचाया। आपको बता दें, ग्राम सुखाऊ खेड़ा के निवासी मुन्नी लाल तिवारी ने भव्य मंदिर बनवाकर स्थापना कराई। वहीं इसी दौरान नीरज शुक्ला, धर्मेंद्र कोटेदार, गौरव तिवारी जिला अध्यक्ष, विजय तिवारी पत्रकार, कौशल वाजपेयी पत्रकार, शुभम तिवारी के चेयरमैन, रामनिवास यादव एवं सभी गांव व क्षेत्र के सम्मानित लोग भगवान शिव की बारात में शामिल रहे। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए शुभम तिवारी की रिपोर्ट। सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।